एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया है। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस का टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए अगर आपको ये नहीं पता कि पाई अपॉन 6 को डिग्री में हम किस तरह से लिखेंगे तो आप पाई की जगह 180 पुट कर दीजिए। जैसे पाई अपॉन 6 लिखा तो मैंने इसकी जगह 180 लिख दिया और अपॉन में 6 कर दिया तो ये डिग्री में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। तो मैं इसे डायरेक्ट डिग्री में लिख रहा हूं तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो गया ये प्लस कॉस स्क्वायर ये अगर मैं 180 अपॉन 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 180 अपॉन 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर 45 गिवन है। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू टेन 45 की वैल्यू मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रो में आपको कैसे हम वैल्यू को याद कर सकते टेबल एक बनाकर दिखाई थी आप उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है ना। एक इजी मेथड बताया गया था कि कैसे हम इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं और इनकी वैल्यू तो हमें वैसे क्लास 10th में भी याद कराई गई थी। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो देखिए स्क्वायर भी है तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है वो भी 1/2 होती है और उसकी पावर 2 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर हो रहा है माइनस टेन स्क्वायर 45 तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और उसकी पावर 2 ये हो जाएगी। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इसका भी मैं डिनोमिनेटर बना रहा हूं 1 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा 4 बन जा 4 1 ऐसे रहेगा 1 ऐसे रहेगा 4 बन जा 4 तो कितना जाएगा ये माइनस का 2 अपॉन 4 आ जाएगा और माइनस का 2 अपॉन 4 का मतलब यह है कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 तो हमारी राइट हैंड साइड कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। यहां पर मैंने सॉरी गलती से माइनस रह गया था तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड हो जाएगी ठीक। तो अगर हमें वैल्यूज पता है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 तो 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 कितना जाएगा 180 अपॉन 6 कितना जाएगा 30 डिग्री ठीक है ना। 180 के अपॉन में क्या कर दीजिए आप 6 कर दीजिए 6 3 जा 180 तो डिग्री में बदल रहे हैं सिंपल। आप चाहिए तो इसमें भी रहने दीजिए आपको सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए ये पता होना चाहिए कि ये 30 डिग्री है और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 है तो 7 मल्टीप्लाई 180 और अपॉन में कितना हो जाएगा 6 6 3 जा 18 तो ये कितना हो जाएगा 210 का एंगल हो जाएगा ठीक है ना। इनटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3 फिर से वही क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3 था हमारा ये रहा 60 डिग्री का एंगल तो मैंने यहां 60 डिग्री लिख दिया ठीक है ना। अब आप देखिए साइन 30 की वैल्यू तो मुझे पता होती है कॉस 60 की वैल्यू मुझे पता है लेकिन कॉसेक 210 की वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो मैंने इंट्रो में 3.2 के इंट्रो में मैंने बताया था कि अगर कोई हमसे हमें 90 डिग्री से बड़ा एंगल दे दिया जाता तो उसे हम छोटे एंगल में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है। तो 2 तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 उसकी पावर 2 हो जाएगी प्लस देखिए कॉसेक 210 था तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 180 प्लस 30 210 को मैंने 180 प्लस 30 करके लिख लिया लिख सकते हैं ना क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉसेक 180 प्लस थीटा। मैंने एएसटीसी रूल में आपको बताया था कि जब भी कभी इस तरह से अगर हमारी कंडीशन की होती कॉसेक 180 प्लस थीटा या साइन 180 प्लस थीटा तो जब 180 होता है तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो ऐसे ही उतर जाता है कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा और थीटा बन जाएगा। अब हमें प्लस माइनस का साइन देखना है तो कॉसेक 180 प्लस तो आप थोड़ा ध्यान कीजिए 180 प्लस करने का मतलब है कि 180 यहां तक हो गया मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है एएसटीसी ठीक है ना। तो यहां टेन का घर होता है और क्वाड का घर होता है ये है कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉसेक तो माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगी इसकी वैल्यू ठीक है ना।
अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो आप एक बार एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रो को देखिए, उसमें एएसटी से रूल बताया गया था बहुत इजी तरीके से कि हम कैसे इन फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा और मैंने सामने लिख दिया कॉस से स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसकी पावर भी कितनी जाएगी 2। देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 1/4 हो जाएगा ये, तो 2 से फिर दोबारा से 2 बार कट गया प्लस। देखिए कॉसेक 180 प्लस थीटा लिखा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये थीटा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा की जगह कितना लिख देंगे हम 30 डिग्री, और उसकी पावर 2 भी हो रही है तो पावर 2 हो जाएगी, ठीक है ना, इनटू 1/4, ये बचा 1/2। अब मुझे कॉसेक 30 की वैल्यू पता है, कॉसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की अपोजिट होती है, साइन 30 जो होता है देखिए वो होता है 1/2, तो कॉसेक 30 जो हो जाएगा वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो माइनस ये लगा हुआ है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, तो मैंने यहां 2 लिख दिया, उसकी पावर 2 इनटू 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/2, ऐसी रहा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1/4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1/2 प्लस 1 बचा, तो 1/1, मैंने एलसीएम ले लिया 2, कितना हो जाएगा 1 + 2 = 3/2, ये हमारी क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड हो जाएगी इस तरह से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेफ्ट हैंड साइड ये गिवन है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 क्या होता है 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री लिख दिया, प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई की जगह मैंने 180 पुट कर दिया, 6 × 6 = 18, कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा ये, तो देखिए ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमें याद नहीं होगी, तो फिर से वही कि मैं इसे 180 समथिंग या 180 माइनस कुछ इस तरह से करके लिख दूं, तो 2 tan² π/6 हो जाएगा इक्वल टू, पाई अपॉन 6 क्या होता है 30 डिग्री, ठीक है ना, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो होते हैं √3, उसकी पावर 2, देखिए वैल्यू याद कर लीजिए, वैल्यू याद हो जाएगी तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, प्लस कॉसेक 150 लिखा हुआ, तो मैं इस 150 की जगह क्या लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कॉसेक 180 माइनस 30, भाई 150 की जगह मैं 180 माइनस 30 भी तो लिख सकता हूं ना, 180 में से मैंने 30 माइनस कर दिया, प्लस 3 हमारा ऐसे रहा 10² 30, तो 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए कॉसक 180 माइनस थीटा, तो जब भी 180 होता है तो कॉसक कॉसक में ही रहेगा, बदलता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रहेंगे, और थीटा आ जाएगा ये 30 डिग्री। 180 करते ही हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, देखिए 0 से 180 यहां तक होता, 180 माइनस करते सेकंड क्वाड्रेंट में रह गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का और कॉसेक का घर होता है, तो ये प्लस रहेगा, तो कॉसेक 30 प्लस का ही रहेगा, तो मैंने यहां पे लिख दूंगा कॉसेक 30 डिग्री प्लस 3 × 1/3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस कॉसेक 30 जो होता है वो साइन 30 का अपोजिट होता है, तो कितना था ये कॉसेक 30 की वैल्यू 2 थी, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, प्लस यहाँ कितना बचा 1, 3 × 2 = 5 / 1 = 6, ये क्या हो जाएगी हमारे राइट हैंड साइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहा गया है 2 sin² 3π/4, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, तो 2 sin² 3π/4 का मतलब कितना हो जाएगा 3 × 180 / 4, भाई पाई की जगह मैंने 180 पुट कर दिया, 4 × 4 = 16 × 4 = 20 = 45 × 3 = 135, तो बेसिकली ये हमारा sin² 135 डिग्री का एंगल है, प्लस 2 cos² π/4 कितना था π/4 के अगर इसे आप हटा दीजिएंगे तो π/4 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ये, तो ये 45 डिग्री हो गया, प्लस 2 sec² π/3 कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो या तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 135 को 90 + 45, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 180 - 45, तो मैं 180 में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिए 2 ऐसी रहा, मैंने इसे sin 180 - 45 लिखा,
और बाहर मैंने स्क्वायर कर दिया। देखिए स्क्वायर को मैंने बाहर चढ़ाया, ठीक है ना, सिर्फ साइन 130 को बदला, साइन ये देखिए 180 में से 45 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 135 एंगल बचेगा, ठीक है ना, प्लस 2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और उसकी पावर देखे 2 हो रही है तो 2 भी कर दी, प्लस 2 ऐसी रहा, sec स्क्वायर 60, तो sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, sec 60 की जो वैल्यू होती है वो cos 60 की रेसिप्रोकल होगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो sec 60 जो हो जाएगा ना वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा है, फॉर्मूला था हमारा साइन 180 माइनस थीटा, तो जब भी कभी 180 की बात होती है तो साइन साइन में ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस चेंज नहीं होते हैं, और थीटा हमारा ऐसे आ जाएगा 180 माइनस करते ही हम कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन का कोसेक का घर है तो प्लस रहेगा, तो प्लस के साइन थीटा ही आ जाएगा, 2 साइन 45 डिग्री साइन थीटा, तो साइन 45 स्क्वायर भी था तो स्क्वायर मैंने यहां कर दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 साइन 45 की वैल्यू कितनी थी 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बचेगा, 2 4 जा 8, 2 मल्टीप्लाई 1/√2 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 8 ये बचा 1, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड टेन 15। देखिए हमें जो साइन की वैल्यू पता होती है 0 डिग्री पता होती है, 30 डिग्री पता होती है, 45 और उसके बाद 60, फिर 90 डिग्री की वैल्यू पता होती है, 75 की डिग्री की वैल्यू हमें साइन में नहीं पता होती है, तो इस 75 को हम दो एंगल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जिनकी वैल्यू में पता होती है। तो देखिए मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं साइन 45 प्लस 30। देखिए मुझे 45 डिग्री की भी वैल्यू पता होती है और 30 की भी डिग्री की वैल्यू भी पता होती है साइन में, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूले थे, मैंने इस एक्सरसाइज से पहले इंट्रो में बताया था आपको फॉर्मूला, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए साइन एक्स प्लस वाई ये, तो देखिए साइन दो एंगल का अगर सम हो जाता है तो वो इस तरह से बदल जाता है साइन एक्स कॉस वाई अब प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है ना। अगर साइन दिया हुआ है और यहां पर दो एंगल हमारे गिवन है, उन दोनों का सम हो रहा है, तो साइन एक्स पहला वाला एंगल यहां आ जाएगा, कॉस के साथ दूसरा वाला एंगल आ जाएगा, प्लस कॉस के साथ पहला वाला एंगल और इंटू में साइन के साथ दूसरा वाला एंगल। अब आप ऐसे समझिए कि ये तो हमारा एक्स लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, देखिए साइन एक्स मतलब साइन 45, साइन 45 हो जाएगा इंटू कॉस वाई, कॉस के साथ में 30 डिग्री लग जाएगा, प्लस फिर कॉस के साथ में एक्स लिखा जाएगा मतलब 45 लिखा जाएगा, और साइन वाई तो साइन के साथ में कौन सा एंगल आ जाएगा, 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब देखिए इन सब की वैल्यूज मुझे पता होती है कि साइन 45 हमारे क्या होता है 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 3/√2 प्लस कॉस 45 कितना होता 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/√3 से करें कितना √3 और अपॉन में आ जाएगा 2/√2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 1/2 √2 एलसीएम ले लिया मैंने तो देखिए 2/√2 आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा हमारा 3/1, ठीक है ना, ये हो जाएगा। लेकिन हम कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रहने देते, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/√2 था मैंने ऊपर नीचे √2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए √2 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स हो जाएगी, √2 की √3 से करिए कितना जाएगा √6 प्लस √2 की 1 से कर देंगे √2 और नीचे वाला जो टर्म है ना वो कितना हो जाएगा, देखिए √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमें डिनोमिनेटर में कभी भी √ में वैल्यू नहीं रखते, ठीक। तो ये हो गया हमारा साइन 75 की वैल्यू, ये आ जाएगी। अब हमें फाइंड करना है टेन 15, तो देखिए हमें 0 डिग्री की वैल्यू पता होती है और 30 की पता होती है, 15 की पता नहीं होती है, तो मैं इस वाले 15 को दो ऐसे एंगल में डिवाइड कर दूंगा, मतलब
डिफरेंस लिखूंगा जिनका डिफरेंस जो हो 15 हो, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 45 माइनस 30। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 60 माइनस 45। क्यों? क्योंकि हमें 1060 की वैल्यू बताती है और 45 की भी, दोनों से करके देखना, दोनों का ही आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला हो गया। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 10x माइनस वाई, दो एंगल का डिफरेंस हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला होता हमारा 10x माइनस 10y और अपॉन में हो जाता 1 प्लस 10x इंटू 10y। इस वाली एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज्यादा फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले को याद कीजिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और जैसे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं, देखिए ये हमारा जो एक्स है वो क्या 45 है, वाई हमारा क्या 30 डिग्री है, तो मैं जहां एक्स है वहां 45 पुट कर रहा हूं, तो लिखेंगे 10 कितना हो जाएगा 45 माइनस 10 30, वाई की जगह 30 पुट कर दिया, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 इक्वल टू, अब 10 45 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 1, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, अपॉन में 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक। ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया, अंडर रूट 3 एलसीएम आ जाएगा इसमें, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, कितना जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, ये हमारा डिनोमिनेटर है ये पूरा, इसमें भी जो अंडर रूट 3 जो है अब नीचे एलसीएम आ जाएगा, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ना हमारा यही आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो आप इसे हटा भी सकते हैं, अंडर रूट 3 की 1 से मल्टीप्लाई करिए अंडर रूट 3 प्लस 1, इस वाले अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमारा बेसिकली बचेगा क्या, ये बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में क्या जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी अंडर रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो इसका कंजुगेट लिखेंगे हम अंडर रूट 3 प्लस 1 का, अंडर रूट 3 प्लस 1 का कंजुगेट क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 3 माइनस 1 से ही हमने क्या कर दिया नीचे डिवाइड कर दिया। देखिए जब भी कोई इस तरह की वैल्यूज दी होती है ना, तो उसके बीच का साइन बदल दीजिए, ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 1 का कंजुगेट कहलाता है अंडर रूट 3 माइनस 1, साइन चेंज करने पर बनता है, और ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, नीचे हमेशा हमारा a माइनस b वाला फॉर्मूला बनेगा। देखिए पहले वाले टर्म एक जैसे हैं, दूसरा वाला टर्म भी एक जैसा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x प्लस, देखिए a माइनस b, तो ये हो जाएगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, तो पहला वाला टर्म क्या अंडर रूट 3, तो उसका स्क्वायर कर दिया माइनस दूसरा वाला टर्म क्या 1, उसका स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में कितना जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। 3 प्लस 1 कितना जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में कितना जाएगा 2, इन दोनों में ऊपर 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 जा 4 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 15 की वैल्यू का, ठीक है ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हमसे कहा गया है कि कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स और साइन पाई अपॉन 4 माइनस वाई जो होता है साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए आप ये ध्यान दीजिए कि यहां पर भी हमारा कॉस दिया हुआ है, ये भी कॉस है, ये साइन है, साइन है। तो मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि जब कॉस में एक तरफ एंगल होते हैं ना, कॉस और कॉस दोनों एक साथ होते हैं, बीच माइनस होता है, प्लस वाला एंगल बनता है। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए कॉस मैं ए प्लस बी के फॉर्मूले में लिख रहा हूं, ए प्लस बी इस तरह से, तुम्हारा फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी,
ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारे चार फॉर्मूले होते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए तो ये वाला टर्म आप देखिए, कॉस ए, पहले ये हमारा कॉस, ये वाला एंगल को मैं ए मान रहा हूं, और ये वाला हमारा एंगल बी हो गया। ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये ए है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये बी है। अब आप देखिए फॉर्मूला ये हमारा बन रहा, कॉस ए, ये पूरा टर्म हमारा कॉस ए की तरह ट्रीट हो रहा, ये कॉस बी बन रहा है, माइनस ये साइन ए बन रहा है, ये साइन बी बन रहा है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, कॉस ए प्लस बी, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, उतार लूंगा ये वाली उतार लूंगा। इसके बाद इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस बी। तो ये हमारा एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, तो मैं इसे लिखूंगा कॉस ए प्लस बी। तो ए हमारा ये है प्लस, और बी हमारा एंगल ये है पाई अपॉन फोर माइनस वाई, ठीक। कॉस देखिए पाई अपॉन फोर हमारा क्या होता है, अगर मैं डिग्री में से चेंज करूंगा तो ये जाएगा 180 अपॉन फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये दोनों अगर हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। ये माइनस का एक्स और माइनस का वाई ऐसे लिखा गया। अगर मैं इस वाले माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो ये इस तरह से बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब 90 होता है ना, जब यहां 90 लिखा हुआ होता है तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल जाते हैं, साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है। तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में, और थीटा ये वाला हो जाएगा। और 90 माइनस करते हैं हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे पहले क्वाड्रेंट में। देखिए 0 से 90 तक ये वाला एंगल होता है, और 90 माइनस करते हैं पहले क्वाड्रेंट में रह गए, ठीक है ना। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, साइन प्लस का थीटा बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसे साइन, और थीटा हमारा क्या, ये पूरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन में टेन पाई बाई फोर माइनस का एक्स जो है वो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, देखिए पहले तो फॉर्मूले देख लेते हैं, टेन ये ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं टेन के, एक तो जब एंगल का सम हो रहा होता है टेन ए प्लस बी, या मैं एक्स प्लस वाई लिख लेता हूँ, या ए प्लस बी कुछ भी लिख लीजिए, दो एंगल होने चाहिए बस। तो ये फॉर्मूला रहता है हमारा टेन ए प्लस टेन बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। इस तरह से अगर हमारा एंगल का सम हो रहा होता, अगर हमारा एंगल का डिफरेंस हो रहा है ए माइनस बी, तब हमारा फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे हमारा हो जाता है 1 प्लस टेन ए टेन बी। बस साइन चेंज हो जाते हैं ऊपर नीचे। आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले लिखने की कोशिश कीजिए जब क्वेश्चन करें, जिससे आपको फॉर्मूले इजीली याद हो जाए। देखिए यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है ना। इन दो फॉर्मूलों को ही हम यूज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, टेन पाई बाई फोर और प्लस का एक्स, ठीक, और अपॉन में कितना था टेन पाई बाई फोर माइनस का एक्स, ठीक। ये पाई बाई फोर क्या है, देखिए पाई की जगह मैं 180 पुट कर रहा हूँ, और अपॉन में फोर, तो फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, तो बेसिकली हमारा 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। मैं डिग्री में लिख रहा हूँ इसको, ये भी 45 हो जाएगा। तो टेन ए प्लस बी, तो ए की जगह हमारा कितना 45, ये आप ए समझिए, और एक्स हमारा क्या बी। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करें तो कितना हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, मतलब टेन 45 प्लस टेन बी की जगह कितना आ जाएगा एक्स, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन एक्स। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा ऊपर वाला अपॉन, तो ये हो जाएगा हमारा टेन ए माइनस बी। तो ए क्या हमारा 45, तो मैं लिखूंगा टेन 45 माइनस टेन एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन एक्स हो जाएगा। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो जहां पर भी 1045 है मैं वहां 1 पुट कर रहा हूं, तो ये जाएगा 1 माइनस 10x हमारा ऐसे रहा, सॉरी प्लस था ये, यहां पर 10x ऐसे रहा, अपॉन में 1 ऐसे रहा, माइनस
ये वैल्यू वन हो गई हमारी, वन की मल्टीप्लाई टेन एक्स करते कितना जाएगा टेन एक्स, इस तरह से ये मेन अपॉन ये वाला आ जाएगा, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन माइनस टेन एक्स हो जाएगा ये, और सबसे नीचे कितना हो जाएगा वन प्लस इसकी वैल्यू वन, वन की मल्टीप्लाई टेन एक्स हो जाएगी टेन एक्स, तो वन प्लस टेन एक्स ही आ जाएगा। अब आप देखिए ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और ये जो था हमारा इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए वन प्लस टेन एक्स पहले से ही था, वन प्लस टेन एक्स फिर ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये दो बार हो गया, तो इसका मतलब ये वन प्लस टेन एक्स और इसका क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक ना, दो बार हो गया ना ये बिल्कुल सेम टर्म, तो स्क्वायर हो गया। इसी तरह से ये दोनों टर्म भी सेम हो गए, जब ये इसके पास मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसमें लिख सकता हूँ वन माइनस टेन एक्स का होल का स्क्वायर। अब देखिए दोनों पे ही स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो मैं इन दोनों टर्म को ब्रैकेट में करके इस तरह से लिख सकता हूँ वन प्लस टेन एक्स और अपॉन में वन माइनस का टेन एक्स और होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक, फॉर्मूले याद कीजिए, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है, देखिए कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस का एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई अपॉन टू प्लस का एक्स। देखिए एएसटीसी रूल में आपको बता चुका हूं कैसे हम जैसे कॉस 180 प्लस एक्स है, देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो ये कॉस 180 प्लस एक्स है, तो मैं इसको चेंज कैसे करूंगा। देखिए जब भी 180 की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, तो कॉस किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा, और मैं ये क्वाड्रेंट बना लेता हूँ ये फर्स्ट, तो यहाँ पर ए एस टी सी, तो यहाँ पर टेन का घर होता है थर्ड में। देखिए 180 प्लस ये कितना एंगल है 180, इसमें प्लस करते ही मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया थर्ड वाले में, थर्ड में किसका घर होता है टेन का और कॉट का, लेकिन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन था कॉस, तो यहाँ पे जो ना ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, एंगल हमारा एक्स ऐसी रहेगा, तो बेसिकली कॉस 180 प्लस एक्स जो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। कॉस माइनस का जो एक्स होता है ना, तो वो हमेशा कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है ना। इस माइनस एक्स का मतलब ये होता है कि एंगल जो हमारा बन रहा है ना, कॉस माइनस एक्स का मतलब निगेटिव एंगल बन रहा है नीचे की तरफ, इधर की तरफ। अब नीचे की तरफ ये कौन, ये सी होता है, कॉस का घर होता है, तो कॉस हमेशा क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, इस वजह से कॉस माइनस का जब एक्स होगा तो वो कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन में। साइन 180 माइनस एक्स, तो ये भी हम देख लेते हैं क्या होता है साइन 180 माइनस एक्स, तो जब भी 180 की बात होगी तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं, ये साइन ऐसी रहा, एंगल भी ऐसे आ जाएगा। अब साइन देखते हैं कि हमारा इससे पहले प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 180 माइनस करते देखते हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। देखिए यहां से यहां तक हमारा एंगल कितना था 180, अब इस 180 में से आप कुछ भी माइनस करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहां साइन का घर है तो इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। अब फॉर्मूला बना हमारा कॉस पाई बाई टू होता हमारा 90 प्लस एक्स, तो एक फॉर्मूला लगेगा कॉस 90 प्लस एक्स। अगर आपको इन सब को याद करने में दिक्कत हो रही, तो मैंने 3.2 से पहले एक्सरसाइज 3.2 से पहले एएसटीसी रूल बिल्कुल ये वाली वीडियो डाली है कि कैसे हम बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें, ये वाली सारी बातें बहुत ही इजी तरीके से समझाई गई हैं और बहुत ही कितना क्रिटिकल भी सिचुएशन दे रखी होगी ना आपको कि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो हम किस तरह से बदल रहे हैं, कॉस 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है। जैसे यहाँ पर हमारा कॉस 90 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो हम मैंने बताया था कि जब भी कभी 90 की बात होगी तो हमारा साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदल जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, थीटा ये वाला था ये ऐसे उतर जाएगा, लेकिन अब हम बात करेंगे इससे पहले साइन की कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। तो इसे देखने के लिए हम कौन क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे 90 प्लस, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री का एंगल होता हमारा,
ठीक है ना, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकंड में। और यहाँ पर घर किसका होता है, साइन का और कॉसेक का, लेकिन ये क्या था हमारा कॉस था, तो ये क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं। तो हम इसे देख के, ये तो हमारा कॉस था ना, इस वजह से माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस का साइन एक्स। अब आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, दोनों को साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो डायरेक्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो कॉट के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है cos 3 पाई बाई 2 प्लस x cos 2 पाई प्लस x, इनटू में चल रहा है ये cot 3 पाई माइनस का x प्लस cot 2 पाई प्लस x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये जो हमारा एंगल है ना 3 पाई बाई 2, तो पाई की जगह कितना रखिए आप 180, 3 मल्टीप्लाई 180 और अपॉन में 2 तो कितना जाएगा 90, तो कितना हो जाएगा 93 या 270, तो ये वाला हमारा एंगल 270 है, ठीक है ना। और मैं इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक, 2 पाई हमारा जो होता है वो 360 होता है, तो 360 प्लस एक्स लिखा हुआ है कॉट, ये फिर दोबारा से 270 माइनस एक्स लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा हमारा 360 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट इस तरह से लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा कॉट 270 प्लस एक्स इंटू कॉस, ये भी हमारा कॉस था, कॉस 360 प्लस एक्स इनटू में है देखिए कॉट 270 माइनस एक्स प्लस कॉट 360 प्लस का एक्स, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 से पहले मैंने एएसटीसी रूल बताया था, आप उसको जरूर देखें, अगर आपको वो पता चल गया तो इन क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। उसमें हम 270 प्लस करके कैसे चेंज करते हैं, 270 माइनस करके कैसे चेंज करते हैं, सब दिया गया है, तो उसे जरूर देखें आप। देखिए यहां पर दिया गया है cos 270 प्लस x, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से लिखा हुआ है 270 प्लस थीटा कोई एंगल, ठीक है ना, इस तरह से। तो जब भी हम 270 की बात करते हैं तो साइन cos में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है, इस तरह से चेंज होता है साइन cos में और cos साइन में। तो यहां cos दिया हुआ तो cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और एंगल बन जाएगा थीटा इस तरह से, cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। अब इससे पहले हम साइन की बात करेंगे कि भैया साइन कैसा रहेगा हमारा, तो देखिए ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हम ये देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, हमारा रूल होता है एएसटीसी, ठीक है जी। 270 कहां तक एंगल होता है, यहां से यहां तक होता है, ठीक है ना, ये वाला एंगल। और 270 में कुछ भी हम ऐड कर देंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट जो ना कॉस का घर होता है, तो ये कॉस ही लिखा हुआ था, इसका मतलब ये प्लस का साइन थीटा बनेगा, ठीक है ना। तो कॉस 270 प्लस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना, इनटू। अब बात करते कॉस 360 प्लस एक्स की, तो कॉस 360 प्लस एक्स, ठीक है ना। जब भी 360 की बात करते हैं, जैसे 270 और 90 होता तो साइन कॉस में बदलता, कॉस साइन में बदलता, टेन कॉट में कॉट टेन में, कॉस एक्स सेक में सेक कॉट में, लेकिन जब 360 और 180 होते हैं यहां पर एंगल, तब कॉस कॉस में रहता, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदलता है, तो कॉस कॉस में रहा एंगल, ये जो होता है इस तरह से आ गया। अब देखिए 360 प्लस करते हैं, देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, तो यहां से मैंने चलना स्टार्ट करा 360 में, फिर दोबारा यही आ गया, और उसमें कुछ भी ऐड करूंगा तो फिर दोबारा तक कहां पहुंचूंगा, पहले वाले क्वाड्रेंट में। यहां कौन होते हैं, सब प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस रहेगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक, इनटू यहां पर हमारा कॉट था, कॉट 270 माइनस करते ही देखिए कॉट 270 माइनस एक्स, ठीक है ना, 270 कर रहे हैं तो फिर दोबारा से देखिए चेंज होंगे रेशियोज, तो कॉट किस में बदलता है 10 में, और यहां आ जाएगा एक्स, लेकिन अब चेक करेंगे कि माइनस है या प्लस है यहाँ, तो 270 का मतलब ये हो गया कि हम यहां से चलना स्टार्ट करा, 270 यहाँ आ गए, इससे पहले हम माइनस करेंगे तो कुछ भी, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, वहां पर 10 का ही घर होता है, ए एस टी टी मतलब 10 और कॉट, तो ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो भाई किस में हो गया हमारा 10 एक्स हो जाएगा, ये हमारा कॉट किस में बदला 10 में, एक्स हो जाएगा प्लस कॉट 360 प्लस एक्स,
देखिए सब फॉर्मूले वही लग रहे हैं AST से रूल वाले, तो आप जरूर वो वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। 360 की बात हो रही है तो ये कॉट कॉट में ही रहेगा, एंगल भी एक्स हो जाएगा, और देखिए 360 प्लस करते हैं फिर दोबारा से पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, वहां से प्लस होते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स, ठीक है ना। अब सिंपल हमारे एंगल बन गए हैं, इसे सॉल्व करना है। देखिए कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन टेन को हम किस में बदल रहे हैं, साइन और कॉस में, तो टेन एक्स को हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बटे साइन एक्स, इस तरह से लिखेंगे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा हमारा साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, सॉरी यहां हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, कॉस दे रखा था हमें, कॉस दे रखा था और यहाँ कॉट था, ये भी हमारा कॉट था, बिल्कुल सही है आंसर बन लाना। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और इसके बाद साइन एक्स से साइन एक्स हट जाएगा, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए ये हमने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाता, वन हो जाता, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, इसकी जगह तो हमने लिख दिया वन, और अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए इस कॉस से कॉस तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, अब कॉस बटे साइन आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में हमारा वन आना चाहिए, तो हमसे कहीं गलती हो गई है, कॉस जो था ये बदला था साइन में, सॉरी हमने इसे साइन नहीं लिखा था। देखिए ये जो था ना कॉस टू टू 70 प्लस एक्स, तो हमने ये साइन थीटा आया था हमारा, है ना, हमने इसे कॉस एक्स लिख दिया, तो ये साइन एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि 270 की बात करते तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन बदल जाता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई थी तो ये साइन एक्स आ जाएगा, इस तरह से। यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, यहाँ पर भी ये क्या रह जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स से कट जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स से कॉस एक्स, और कितना बचेगा हमारा वन, ये क्या हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन में हमसे कहा गया है साइन एन प्लस वन एक्स एन और साइन एन प्लस टू एक्स, तो आप यहां पर ध्यान देना कि ये वाला जो हमारा एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, ये जो एंगल है ना, सॉरी इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, देखिए जब साइन और साइन एक तरफ है, कॉस और कॉस एक तरफ है, तो जब भी कॉस एक तरफ होते हैं ना, तो कॉस वाला फॉर्मूला होता है, कॉस बीच में प्लस है तो माइनस वाला फॉर्मूला होगा, कॉस ए माइनस बी जो होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है हमारा ये, वो तो ये लिखा हुआ, ये बी जो होता है वो ये लिखा हुआ, साइन ए, फिर दोबारा से यहां पर ये ए आ गया और ये बी आ गया, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसे मैंने उतार लिया यहां पर, ठीक है ना। उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाऊंगा दूसरी लाइन में कि ये हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस बी, तो ए कौन सा हमारा एंगल, ये वाला, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा एन प्लस वन इंटू एक्स, ठीक ये लिख दिया मैंने, माइनस और फिर लिखूंगा बी, तो ये हो जाएगा एन प्लस टू इंटू एक्स, ये बी हो गया। देखिए ये ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। तो मैंने कॉस ए माइनस बी लगा दिया भाई ब्रैकेट के अंदर इस तरह से, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है सिंपल भाई, एक्स की मैंने मल्टीप्लाई कर दी कितना हो जाएगा एन एक्स प्लस एन एक्स की मल्टीप्लाई कर दी इस वन से एक्स हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा एक्स की मल्टीप्लाई एन से कर दी कितना जाएगा एन एक्स प्लस टू एक्स ये माइनस अंदर चला गया कितना हो जाएगा एन एक्स प्लस एक्स माइनस का एन एक्स और माइनस का टू एक्स एन एक्स से क्या हो जाएगा एन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस
माइनस का 2x प्लस का x, तो माइनस का x बच जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि cos माइनस का x जो होता है वो प्लस का ही cos x हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि ASTC रूल के हिसाब से माइनस का एंगल हमेशा इधर की तरफ बनेगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ cos का घर होता है। तो cos माइनस x मतलब कि वो प्लस में आ जाएगा cos, क्योंकि नीचे की तरफ cos का घर होता है माइनस में, तो cos प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस का x इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 2 sin x। तो देखिए इस बार जो हमारे एंगल दिए गए हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिए गए हैं। देखिए ये यहां पर मैं अगर इसे x की तरह ट्रीट करूं और ये वाला y की तरह पूरा एंगल, ठीक है ना, दोनों एंगल अलग अलग है ना, तो ये x मान लिया y मान लिया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। बेसिकली इस तरह के हमारे चार फॉर्मूले हैं जिसमें साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ इस तरह से, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। देखिए ये मैंने एक्स मान लिया माइनस कॉस वाई, तो फॉर्मूला हमारा होता है माइनस का टू साइन। देखिये जब दोनों तरफ कॉस है और बीच में माइनस रहता है तो यहाँ साइन बनते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन टू और यहां हो जाएगा साइन एक्स माइनस का वाई अपॉन टू। एक बार इन एंगल को सम कर देंगे और उस अपॉन में टू कर देंगे, एक बार इनका डिफरेंस ले लेंगे अपॉन में टू कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यह हमें दिया गया कॉस थ्री पाई अपॉन फोर प्लस एक्स माइनस कॉस थ्री पाई अपॉन फोर माइनस का एक्स। तो ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा y। तो पहले तो मैंने लिखा माइनस का टू साइन, फिर क्या होगा ये एंगल ऐड हो जाएंगे और अपॉन में टू आ जाएगा। तो पहले मैंने इन्हें ऐड कर दिया, थ्री पाई अपॉन फोर प्लस एक्स प्लस थ्री पाई अपॉन फोर माइनस का x और अपॉन में क्या कर दिया मैंने टू कर दिया। फिर दोबारा से देखे साइन आ गया यहां पर, ये इस बार इनका डिफरेंस लेना एंगल्स का, तो मैंने क्या करा 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स पूरा एंगल लिखा, ये पूरा एंगल हो गया x माइनस और ये पूरा एंगल हो जाएगा y। तो यहां पर इसमें माइनस लगा दिया, 3 पाई अपॉन 4 माइनस का x और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 इस तरह से, ठीक। फिर सॉल्व करते हैं इक्वल टू माइनस का 2 साइन। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 6 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, कुल कितना बचेगा 3 पाई बाई 4 बचेगा ये। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद बच गया हमारा 3 पाई अपॉन 2 और पहले से ही हमारा 2 यहां था, ये हो जाएगा इन टू साइन हमारा ये रहा। इन दोनों एंगल को सॉल्व करते हैं, देखिए जब मैं माइनस अंदर भेजूंगा तो ये वाला टर्म तो हमारा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इस तरह समझिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इस तरह से। तो ये वाला जो एंगल है ये माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x और 2x के अपॉन में क्या दे रखा है 2, इस तरह से है ये हमारा, ठीक है ना। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 हमारा ऐसे रहा, ये हमारा 3 पाई अपॉन 2 था और इसके अपॉन में 2 और था, तो बेसिकली 2 से 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो कितना जाएगा 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, और पाई की जगह मैं अगर 180 रख दूं तो कितना जाएगा 3 की 4 से काट दिया 45, 45 से 135। तो ये बेसिकली जो एंगल है हमारा कितना है साइन 135 डिग्री का एंगल है, ठीक। आप पाई की जगह सिर्फ 180 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 135 आ जाएगा। यहां बचा हमारा साइन एक्स, देखिए हमारे राइट हैंड साइड में साइन एक्स तो आ रहा है, ये जो वैल्यू है ना हमारी माइनस के अंडर रूट 2 आनी है, तो माइनस 2 हमारा ऐसे रहा। इस वाले साइन को फिर दोबारा से देखिए मैंने किस तरह से बदल सकता हूं, या तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 90 प्लस 45, ठीक है ना, या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 180 माइनस 45, तो मैं इसे लिख रहा हूं 180 माइनस 45, ठीक, और इन टू साइन एक्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अब आप देखिए माइनस का 2 साइन 180 माइनस थीटा, ये थीटा की तरह ट्रीट कीजिए, 180 जब लिखा हुआ होता है ना
तो हमारा जो रेशियो होता वो चेंज नहीं होता, साइन 180 माइनस थीटा में साइन साइन में ही रहेगा, थीटा भी ऐसे आ जाएगा। पर हमें ये चेक करना है कि इसका साइन जो रहेगा, साइन का वो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। तो इस तरह से एक्सिस बना लिए, ए एस टी सी रूल देखिए, 180 हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है, 180 से माइनस करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। देखिए 180 से कम का मतलब क्या हुआ, हम इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो इस वजह से क्या रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, 45 लिखेंगे यहाँ पर, 45 डिग्री इंटू साइन एक्स ये हो गया माइनस 2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स, अंडर रूट 2 से हम इसे काट देंगे अंडर रूट 2 बार, तो कितना जाएगा माइनस का अंडर रूट 2 साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 12, बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। इस तरह के क्वेश्चन हमारे लगातार सारे आने वाले हैं, जैसे 12 है। तो सबसे पहले देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं, इस पे हमारा पहले दो टर्म्स पे स्क्वायर दिया है, बीच में माइनस है, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जैसे ये इस पे स्क्वायर हो रहा है और ये इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये ए है ये वाला टर्म, ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक बार हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, साइन 6x साइन 4x, और एक बार क्या करेंगे माइनस, साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे फॉर्मूले आते हैं, जिस तरह से हमारा ये फॉर्मूला था ना कि साइन कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, इस तरह से हमारे ये वाले फॉर्मूले भी होते हैं कि इस बार हमारा साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई जो हो जाता है वो होता है 2 साइन, एंगल को ऐड कर दीजिए, एंगल बिल्कुल सेम रहते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एक्स माइनस वाई अपॉन 2 हर बार यही रहते हैं। बस हमें जो ध्यान देना होता है, ये ध्यान देना होता है कि साइन जब दोनों होते हैं और बीच में प्लस होता है, तो दोनों तरफ क्या आता है, एक तरफ साइन आ जाता है, एक तरफ कॉस आ जाता है, यहाँ पर क्या जाता है, कॉस आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एंगल में चेंज नहीं होता। और जब साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है, क्योंकि इसमें माइनस वाला टर्म भी आ रहा, तो जब माइनस करते हैं तो इस बार कॉस पहले आ जाता है, साइन बाद में आ जाता है, एंगल में कोई चेंज नहीं होता, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है ना। ये हमारे दो फॉर्मूले यूज हो रहेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहले वाले टर्म में मैं एंगल ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 साइन, ये पूरा एंगल मैंने एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 हो रहा, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 4x और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस और एंगल जो ना माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस का 4x और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए इस वाले को सॉल्व करके मैंने यहां लिख दिया ये, ठीक। अब साइन 6x माइनस साइन 4x को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इस वाले फॉर्मूले से हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो मैं इसे यहां लिखूंगा, देखिए मल्टीप्लाई में चल रहा है, 2 cos आएगा पहले, अब पहले एंगल को हम ऐड कर देंगे 6x प्लस 4x अपॉन में 2, यहां बनेगा sin 6x माइनस का 4x और अपॉन में कितना जाएगा 2। इस वाली लाइन को सॉल्व करके मैंने यहां लिख दिया इस वाले फॉर्मूले से, ठीक। अब देखिए 2 sin तो हमारा ऐसे ही रहा, 6 और 4 कितना जाएगा 10x और अपॉन में 2 था कितना हो जाएगा 5x, 6x माइनस 2x 4x कितना हो जाएगा 2x और अपॉन में 2 था तो कितना हो जाएगा भैया x हो जाएगा, इनटू ये कितना था 2 cos ऐसी रहा, 6 और 4 10x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5x, और sin 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा 2x और अपॉन में 2 तो कितना हो जाएगा ये sin x। सब टर्म मल्टीप्लाई में हमारे जो आंसर आना है वो sin 2x sin 10x लाना है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें वो वाले टर्म एक जगह लिख लीजिए जिनके एंगल हमारे सेम सेम है। मैं ऐसे कर रहा हूं कि इस वाले cos 5x को तो इसके साथ ला रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हमारा 5x है एंगल और ये वाला एंगल भी 5x है। इस cos x जिसका एंगल x है इसे मैं इसके साथ ले जा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। 2 भी इसके साथ में रहने दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2 sin 5x cos 5x। सब टर्म मल्टीप्लाई में है तो कहीं भी भेज सकते हैं, ये 2
साइन एक्स ऐसी था और ये वाला कॉस एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ गया, तो मैंने इस तरह से इसे यहां लिख दिया, ठीक है ना। यहां पे अब हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, इस बार इलेवेंथ में जैसे बच्चा टेंथ से इलेवेंथ में आता तो ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। हाई स्कूल में हमारे बहुत ही कम फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री में, और एकदम से ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, और खासकर इस एक्सरसाइज में। तो फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, फॉर्मूले अगर हमारे याद हो जाएंगे ना तो एक्सरसाइज को करना कोई भी भारी काम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो साइन टू ए ये तो बहुत यूज होगा फॉर्मूला, ट्वेल्थ तक आपको बहुत ज्यादा यूज करना है साइन टू ए। तो साइन टू ए जो होता है वो टू साइन ए कॉस ए होता है, ठीक है ना। अब आप इस वाले टर्म को इससे कंपेयर कीजिए, टू साइन ए, देखिए एंगल दोनों के सेम है तो इस वजह से ये भी ए है ये भी ए है, आप इसे ए मानिए ए मानिए, ठीक है ना। तो इधर ना इस ए का डबल हो जाता है, तो भैया 5x है पूरा ए, तो 5x का डबल कितना हो जाएगा 10x, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं साइन 10x। देखिए 2 साइन 5x कॉस 5x, 2 साइन a कॉस a, तो इस एंगल का डबल हो जाता है, साइन लिखो और एंगल का डबल कर दो, साइन लिख दिया मैंने, हाँ लिख दिया, 5x का डबल कर दो 10x, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से 2 साइन a कॉस a, तो कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल है a है ये भी a है, तो a का डबल x का डबल कितना हो जाएगा 2x, तो साइन 2x, ये हमारी क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड हो जाएगी। बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला फॉर्मूला साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो हमारा एंगल होता है ना टू साइन, एंगल सेम होंगे पहली बात, तो 5x है 5x है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, और एंगल का डबल कर दीजिए, साइन लगाइए और एंगल का डबल कर दीजिए, तो साइन 10x यहाँ हो जाएगा साइन x। अगर हमें कोई टर्म इस तरह से दे रखी होती है ना टू साइन 20x कॉस 20x, ठीक है ना, तो हम जो ना साइन लिखेंगे 20 का डबल कर दो 40x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एंगल का डबल हो जाता है।